चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। ये तो सच है। धर्म के नाम पे कत्लेआम कर दे, धर्म के नाम पे बलि चढ़ाते, धर्म के नाम पे घर में पाले हुए एनिमल्स काट देते हैं वो लोग, घर में एक कुत्ता बिल्ली भी पालते तो जब उसको कुछ होता है बीमार तो वो खुद रोते हैं। ये इनके इनका जो अपना एक विचारधारा है ये प्रॉब्लम उसकी है, ये इनके धर्म की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ। पूरे की पूरी प्रॉब्लम इनके अपने विचारधारा की है, ये गड़बड़ है यहाँ पे बहुत ज्यादा। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आ गए हैं नए रिएक्शन के साथ, और आज का रिएक्शन जो है अपने हम लोग किसी कॉमेडी का नहीं लेके आए, हम लोग रिएक्शन लेके आए अपने दोस्त का, पड़ोसी का, क्या गैस पड़ोसी मुल्क का लेके आए। हाँ, तो वो पड़ोसी मुल्क हम लोग का जानते हैं, पड़ोसी मुल्क कौन सा है और जो अंडसंड बात जो करते हैं, पड़ोसी मुल्क है जो हमें रह रहे के उंगलियां करता रहता है, और उन लोग को कोई नॉलेज नहीं है, किसी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, कि अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, वो खाली एक ही किताब पढ़ते हैं, बाकी किताबों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो हम किसी भी किताब का हम लोग वो नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, सबके धर्म, धर्म की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ हो रहा थोड़ा रिएक्शन, रिएक्शन इसलिए क्योंकि वो लोग को कोई नॉलेज ही नहीं है, वो आपके इंडिया के बारे में या खुद के बारे में, तो आप तो जान ही चुके होंगे हम किसके बारे में बात करें। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी पाकिस्तान। और चलो अब स्टार्ट करते हैं और उनके थोड़े से कॉमेडी और फनी भाषण या कुछ उनके रिप्लाईज हैं जो वहाँ के रिपोर्टर्स ने इंडिया के लिए उनसे पूछे थे। हाँ, तो कुछ उनके मीम्स देखेंगे, कुछ इस तरह के हम लोग चीजें देखेंगे। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, वो भी पाकिस्तान का। चलिए चलते हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशन की करारदादे देखें या उनका जो सलूशन है वो देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों जानिब से जो है आर्मी हटाई जाएगी। अच्छा। ना हम तैयार हैं, ना पहले हमें करना, फिर उन्होंने करना। बोल, हम तो करने को तैयार हैं, लेकिन लेकिन वो डरता है। अच्छा। हमारे पास ये जवाब सही था, ये लास्ट वाला सही था। हाँ, हम लोग के पास एटम बम है, इंडिया ने डंटा, हम लोग के पास एटम बम है, हम लोग के पास फुलड़ियां है, ऐसे ना कैसे, हम लोग इस्लाम का, हम लोग की ताकत है, हम लोग एटम बम है और इंडिया से डरता है। हमको तो लास्ट वाला सबसे एकदम मतलब एकदम पॉइंट वाला लगा। चल फुलड़ियां है यार, ये बहुत अच्छी है, मस्त है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन। कि वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान इंडिया से आगे है, अगर रीसेंट पाकिस्तान बकचोदी में आ गए। उसके अलावा चीज में आ गया और किसी में नहीं है, कुछ नहीं है। अरे वो आतंकवाद शून्य है, बहुत बड़ा। चलिए आगे फ्रेंडली बात कीजिए तो भी स्पोर्ट्स में। हाँ। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टीम बहुत आगे चले गई है। आर्मी मारो, मुझे मारो, ओ इन अ वॉर, सारे शहरों के शहरों हार के बैठे हैं, फिर भी बेस्ट है भैया। पाकिस्तान ड्रामास की हमारा लीडर कौन, जो लीडर था इमरान खान साहब। इमरान खान खान मतलब इस्लामिक ममालिक में अभी तक कोई लीडर नहीं आ पाया। खाने के लिए परेशान हो गए, अन्न खाने ये बड़ा अच्छा था भाई, कितने रुपए किलो कर दिया वहाँ पे, 800 रुपए के आई थिंक शायद ब्रेड मिल रही थी। हाँ। और ऐसे ही 200 के पता नहीं कितने रुपए के वहाँ पे वो किलो के आटा हो गया आटा था। और नमक तक उन लोगों ने नमक तक नहीं मिल रहा था, मतलब वहाँ पे खाने के वांदे हो गए थे, लाले पड़ गए थे, ये स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है वहाँ की। तो ये जो मोहतरमा थी, मोहतरमा थी, फ्लैग बड़ा है, फ्लैग बड़ा है, पता नहीं किसका फ्लैग देख के आई है, समझ रहे हो क्या। चलिए आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट।
सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? इस्लाम जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके लिए इस्लाम मजहब की बात करें, घर पे भागेगा तो किताबें लेके भागेंगे अपनी। सबसे पहले इस्लाम है, ओके, उसके बाद पाकिस्तान है। अबे साले, ये अच्छा था, ये अच्छा था भाई साहब। या पाकिस्तान पहले है? हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है। अरे जी, तो पाकिस्तान है, क्योंकि आपके लिए देश पहले है, देश है पहले, इसके ऊपर आप देश पहले है। ओ यार, मुझे कुछ कोई मैटर नहीं, देश ही है। मैं भी यही, सबका व्यू यही होगा, इंडिया में ऑलमोस्ट सबका व्यू यही होगा। चीजें बाग में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है, सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। देश जरूरी है हमारे लिए, आप ऑब्वियसली देश जरूरी है। तो आपके लिए क्या सबसे पहले? कंट्री। देखिए कितना अच्छा इमोशनल था, उन लोग देख रहे हैं जब लड़ाई धर्म के नाम पे, इतनी लड़ाइयाँ होती, धर्म के नाम पे कत्लेआम कर दे, धर्म के नाम पे बलि चढ़ाते, धर्म के नाम पे घर में पाले हुए एनिमल्स काट देते हैं वो लोग, हम एक कुत्ता बिल्ली भी पालते तो जब उसको कुछ होता है बीमार तो खुद रोते हैं, तो वो लोग धर्म के नाम पे ये करते हैं और उन लोग का इस्लाम आ गए। कहीं ना कहीं इन लोग का जो धर्म है उन लोग के करतूतों से सही नहीं है। देखिए धर्म, धर्म को एक्चुअली ना इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, जैसे जो जाहिल है इसमें एक्चुअली ना प्रॉब्लम क्या है कि पढ़े लिखे जो है वो बड़े कम मिलेंगे यहाँ पे, अनर्थ ले लिया है, कुछ और किया हुआ नहीं, नहीं। सबसे बड़ा एक इसमें ये भी पॉइंट है कि ज्यादातर लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जो इन लोग की धार्मिक किताबें वो पढ़ी ही नहीं है, उन्होंने मुल्ला और मौलवियों के मुंह से सुना है, उन्होंने फॉलो किया गलत लोगों को, गलत लोगों को फॉलो किया है, उनको सुना है और उन्हीं को फॉलो किया, पढ़ा नहीं है कभी कुछ कत्लेआम ये। लेकिन असलियत में किसी भी धर्म में इतना गंदा, कोई भी धर्म, धर्म सब अच्छे होते हैं, उन्होंने कुछ सीख से लिया ही नहीं हुआ है। ये इनके, इनका जो अपना एक विचारधारा है ये प्रॉब्लम उसकी है, ये इनके धर्म की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, पूरे की पूरी प्रॉब्लम इनके अपने विचारधारा की है, ये गड़बड़ है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो चलिए देखते हैं दूसरा। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुँच जाएंगे। ओह माय गॉड, ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। ये तो सच है, ये तो सच है, ये इस आदमी ने यार ये सच बात बोल दी, पसंद है और ये एकदम सही बोला, मैं एकदम सच बात बोल दी, ये एकदम सही कहा यार, मुझे लग रहा था ये कुछ कहने वाला है, दिल वाली बात बोल दी इसने। वाकई आप इसको पता है कि क्या है, जंगे लड़ी है, स्टेट है, चार वो लड़ाई क्या है, बेसिक चीज है, तुम्हारी औकात ये है जो ये आदमी बता रहा है वहाँ का, ये वो है जो वहाँ की जनता के दिल में है, जो वो फील करते हैं, ये वो है। कहावत नहीं, घर में आटा नहीं, माँ को बोलो पूरी बनाओ, बस बस बस, बस सेम कहानी है, लोग सेम कहानी है, खाने के लिए है नहीं, धोने के लिए है नहीं, दिन भर जंगे, अच्छा ये लोग दिन भर यही बात करते हैं, जंगे लड़ते, दिन भर जंगे, दिन भर कश्मीर, अरे कश्मीर क्या करोगे भाई, जितना है उतना तो संभालो पहले, अरे यार जितना है उसको, ये बेचारों को खाने को नहीं है और इनको चाहिए, अरे क्या करोगे, खाने को दाना नहीं गया, अम्मा चली भिजाने, क्या बस घर में नहीं दाने, अम्मा चली भिजाने, बस सेम कंसेप्ट है एकदम। तो चलिए इन्हीं नमूनों के साथ हम लोग कर रहे हैं अब आज का रिएक्शन खत्म, और आज की जो रिएक्शन तक अलग टाइप का था, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी बात कहीं भी आपको सही लग रही है तो कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा जो इन्होंने नमूने ने बोला है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट में हमें आप जरूर बताएं कि हम लोगों को अगला वीडियो किस चीज पे बनाना चाहिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना, और मुझे ये भी बताइएगा अगला रिएक्शन किस पर बनाएं और किस टॉपिक पे बनाएं, तो मैं कोशिश करूंगी उसको सर्च करके, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग कुछ बेहतर तरीके से पेश कर पाएं, आप सपोर्ट करिए और हम आपको हंसाएंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।